लेकिन अगर नेगेटिव खबर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव प्लेयर है वो है यूनिटेक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूज डेट कंसर्न्स इसके ऊपर बनी हुई हैं। और साथ ही आज एक और झटका मिला है यूनिटेक को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर एक फटकार लगाई है यूनिटेक पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 1 महीने में 5 करोड़ देने के आदेश दिए हैं। ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में जो देरी हुई है उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक पर 5 करोड़ रुपए को भारी जुर्माना लगाया है और कंपनी को 12 अगस्त तक ग्राहकों को अंतिम मुआवजे के तौर पर यह रकम का भुगतान करना है। यूनिटेक ग्रुप दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 76 में अपने ग्राहकों को बर्गंडी सोसाइटी में तय सीमा पर फ्लैट मुहैया नहीं करवा पाया है और 12 अगस्त की तारीख तक अगर उन्होंने ये रकम नहीं जमा की तो प्रमोटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी और साइट डायरेक्टर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। चलिए लेकिन आगे बात करते हैं। लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए बड़े कदम उठा रही है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना और साथ ही मटर्निटी लीव 26 वीक्स करने के प्रावधान में नए बिल में ये प्रावधान लाए गए हैं। महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा देने पर भी काफी विचार किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय हैं। सर, एक बड़े कदम के तहत ये जानकारी आ रही है कि जो महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है उसको बढ़ाकर 12 हफ्ते से 26 हफ्ते करने का जो बिल है वो उस पर एक रजामंदी बन गई है और अब उसको कैबिनेट में भेजा जाएगा और महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत साहसी कदम उठाने वाली है। उसमें जो है एक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का जो है उनको जो है अनुमति देना और दूसरा जो है जो अभी प्रसूति लाभ है महिलाओं को आज के जो कानून के प्रोविजन में उनको 12 हफ्ता ही वो मिल सकता है। अभी हमारा सरकार ने इसको 26 हफ्ते बढ़ाकर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि इसमें महिलाओं को घर से काम करने का वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी देने की बात की जा रही है। वर्क फ्रॉम होम घर से भी काम करने की फैसिलिटी देने की बात की जा रही है। नहीं, घर में भी बैठ के जो जो काम कर सकते हैं वो भी जो है हमारे विचाराधीन में है। इसलिए ऐसे नए नए जो इनिशिएटिव्स लेने से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ सकती है। जैसे कुछ ऑफिस में बैठ के काम करने वाले चीज़ें वो ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, वो घर में भी बैठ के काम कर सकते हैं।